my dear little chaps. How are you all? I hope you all are fine. I am back again with new topic, and the topic is magical words. Magical words means जादू वाले words, ठीक है, जो क्या करते हैं. Magic means क्या होता है? Magic means जादू होता है ना. तो magical words मतलब जो words जादू करते हैं वो वाले words. जैसे वो कौन कौन से हैं? Please, sorry, thank you and excuse me. Repeat again. Please, sorry, thank you and excuse me. ठीक है? Now, please, we say please to ask for something. अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि इन वर्ड्स का कहाँ पर और कब आपको यूज़ करना है. ठीक है? टू वी से प्लीज़ टू आस्क फॉर समथिंग. देखो, हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ तब यूज करते हैं जब हम किसी से कुछ चाहिए होता है, हमें किसी से कुछ अपना काम करवाना होता है. ठीक है? हमें किसी से कुछ पूछना होता है कि प्लीज़ टेल मी दिस, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, प्लीज़ गिव मी योर पेन, है ना. तो जब हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है या हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? प्लीज़ डू दिस, है ना. मामा प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो हम क्या करते हैं कि उस टाइम प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं. तो इससे क्या होता है कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ आप मुझे मम्मा पानी दे दो. आप अपने फ्रेंड से अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए? इफ़ यू वांट अ स्केल और पेंसिल और इरेजर, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल. अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो आपको तुरंत वो पेंसिल या इरेजर, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको दे देगी. तो ये क्या है? एक दिस इज अ मैजिकल वर्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सॉरी. वी से सॉरी When we make a mistake, हम सॉरी कब बोलते हैं बेटा? जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है. ठीक है? कोई गलती हो जाती है. मिस्टेक मीन्स कोई गलती हो जाती है, या हम किसी को हर्ट कर देते हैं. मतलब अगर हमारी वजह से किसी को कोई चीज़ बुरी लग जाती है या ख़राब लग जाती है, या हमारी वजह से उसको चोट लग जाती है, या किसी भी तरीके का अगर उसका नुकसान हो जाता है, तो वी से सॉरी. हमें क्या कहना चाहिए? हम क्या कहते हैं? सॉरी. ओके, मींस अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए, हम किसी को हर्ट कर दें, या हमारी वजह से किसी का कोई लॉस हो जाए, तो उस वक्त हमें क्या बोलना होता है? हम किस वर्ड का यूज़ करेंगे? सॉरी. ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन इज थैंक यू. वी से थैंक यू व्हेन समबडी गिव्स अस समथिंग. यानी जब हमें कोई जना कुछ भी देता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू. ठीक है? जैसे आपकी बर्थडे है, आपके फ्रेंड्स आपके लिए गिफ्ट लाए, तो आप उनको क्या बोलोगे? यू से थैंक यू, है ना. और अगर आपका कोई काम है, आपकी फ्रेंड ने आपकी हेल्प की, है ना, तो आप तब भी आप उसको क्या बोलेंगे? यू हैव टू से थैंक यू. आपको क्या कहना है? आपको थैंक यू कहना है. ओके, और आपको क्या कहते हैं, हाँ, तो जब आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया, या आपके मम्मा पापा ने, या आपके ब्रदर सिस्टर ने, ठीक है, तो आपने उनको बोला थैंक यू, या कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हो, ठीक है, और पहले मम्मा पापा ने कह दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर अगर वो लोग कर देते हैं वो काम, तो आपको खुशी मिलेगी ना, तो तब भी आप यू हैव टू से थैंक यू टू योर पेरेंट्स और योर कज़िन और योर ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है? जिसने भी वो काम किया, वो पेरेंट्स हो, ब्रदर सिस्टर हो, कज़िन हो, तो आप उनको क्या बोलोगे? यू हैव टू से थैंक यू. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सक्यूज मी. वी से एक्सक्यूज मी व्हेन वी वांट अटेंशन. वी से एक्सक्यूज मी व्हेन वी वांट अटेंशन. हम क्या एक्सक्यूज मी कब यूज़ करते हैं? जब हमें किसी की अटेंशन चाहिए होती है. मींस अटेंशन चाहिए मींस अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उनसे कुछ कहना है, तो आप कैसे कहोगे? आप जाते ही सीधे बोलना नहीं शुरू करोगे. दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे. आप पहले उनसे बोलोगे एक्सक्यूज मी प्लीज़, मींस मतलब वो आपको, फिर जब आप जैसे ही ऐसा बोलोगे तो वो आपकी तरफ देखेंगे, आपकी तरफ मुड़ेंगे कि हाँ यस, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं आप, तब एंड देन यू स्टार्ट, तब आप अपनी बात कहोगे. ठीक है? तो दिस इज़ द करेक्ट वे. ये एक सही तरीका है. ठीक है?
कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं और आपको वहाँ जाके उनमें दोनों में से किसी एक से कुछ कहना है या दोनों से कुछ कहना है, तो फर्स्टली क्या बोलेंगे आप, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, ताकि वो आपकी तरफ ध्यान दें और उसके बाद आप अपनी बात को कह सकें, ठीक है। अंडरस्टूड बेटा? सो नाउ द मैजिकल वर्ड्स, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू एंड एक्सक्यूज मी। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? सो ऑल ऑफ यू लर्न इट एंड ट्राई टू यूज़ इट। ओके, विल मीट अगेन, टिल देन, बाय बाय।